अंतर्गत छातापुर थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत महदीपुर बाजार की है। सोशल मीडिया पर युवाओं की सक्रियता में बताया जा रहा है, फेसबुक पर प्यार हुआ, फिर दीदार हुआ और जब सब कुछ हो गया तो प्रेमी ने प्रेमिका से कन्ने काटने लगे। इस बीच प्रेमिका को भनक लग गई कि उसका प्रेमी किसी अन्य से शादी करने के लिए तैयार कर रहा है। बस यह बात प्रेमिका को रास नहीं आई और पंचायत लेकर पहुंच गई प्रेमी के घर। प्रेमिका के द्वारा प्रेमी के घर हंगामा बरपे जाने के बाद प्रेमी के परिजनों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। गणमान्य व्यक्तियों मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर मामले को शांत कराया, जिसके बाद वीरपुर निवासी प्रेमिका के भरी पंचायत में पंचों के बीच खड़ी होकर अपनी आपबीती सुनाई। इतना ही नहीं, प्रेमिका ने हर हाल में अपने प्रेमी से ही निकाह करने की बात बताई। गंभीरता पूर्वक वार्ता कर मामले को सुलझा लिया तथा कथित प्रेमी के परिजन वीरपुर निवासी प्रेमिका से निकाह के लिए राजी भी हो गए। इसके बाद प्रेमी के सुपौल वाली लड़की से शादी करने और बारात निकालने की तैयारी धरी की धरी रह गई, जहां पंचों ने प्रेमी प्रेमिका के शादी का फैसला सुना दिया। स्वर्ण रानी के साथ सुपौल से बलराम कुमार की रिपोर्ट। आप आज यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? शादी के लिए आए। जब वो शुरू से हमसे बोला है कि हम आप तुमसे ही शादी करेंगे, तुमसे ही शादी करेंगे, मिलना जुलना हर चीज हुआ। कितना दिन से ये प्रेम प्रसंग चल रहा है? वही 2015 से ही। कैसे मिले थे आप लोग? वो फेसबुक के द्वारा मिले, फिर उसके बाद फेसबुक बंद होके 2016 में ही सामने में मिले उससे। उसके बाद फोन द्वारा बात होते रहा, वो आते जाते रहे। जब वो बाहर से आते थे तो मेरे पास भी आते थे, मिलना जुलना इसी द्वारा चालू था। और जब भी मेरा शादी कहीं लगा तो वो बोला कहीं और शादी नहीं करना है, हम करेंगे, नहीं तो हम कुछ कर लेंगे। अभी मालूम चल रहा है कि लड़का का शादी होने वाला था? तो लड़का का शादी होने वाला था तो हमको नहीं ना पता। लड़का का अगर शादी होने वाला था, या सब बोल रहा है कि 6 महीना से शादी लगा हुआ है, तो 2 महीना पहले इसके अब्बा मेरे यहाँ गए हैं। किस चीज के लिए गए थे? रिश्ते के लिए, हमको देखने के लिए गए थे, इसलिए गए थे क्योंकि लड़का भेजा था उसको वहाँ। क्या हुआ था उसके बाद? क्या बात नहीं बनी थी? उसके बाद बात नहीं बनी, वो उसके अब्बा कुछ जवाब नहीं दिए। तो हम उनको बोले कि ठीक है आप कहीं और कर लीजिए, हम कहीं और कर लेते हैं। तो वो बोला नहीं हम कुछ कर लेंगे। तो वो सबके द्वारा हमको कॉल कर करके एकदम थोड़ा बोलने लगे, नहीं बोलिए हम इससे शादी करेंगे। कौन कॉल कर रहा था आपको? अचानक किसी और से बात करवा रहा था, जो कंपनी में रहता था उसकी मैम और से हमसे बात करवाया। मतलब आपसे शादी करने के लिए तमाम तरीके से हमको बोला मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तो हम बोले नहीं, मेरी अम्मी का तबीयत खराब है, मेरे घर में शादी का माहौल है, सब बोल रहा शादी के लिए। तो बोला नहीं कुछ नहीं, कहीं नहीं करना है, हमसे ही करना है, नहीं तो हम कुछ कर लेंगे। आज जो लड़का का दूसरी जगह शादी होने वाला था, लड़का वहाँ तैयार था शादी करने के लिए? लड़का वहाँ तैयार था, 3 दिन पहले भी हमसे बात हुआ है उससे। हम पूछे अगर कोई ऐसा तरह का बात है तो हमको बताइए। तो वो बोला कोई ऐसा तरह का बात नहीं है, कसम भी खाया, बोला कोई बात नहीं है। हम पूछते रहे, इसी गुस्सा में हम यहाँ आए पता करने के लिए। अच्छा, आपको जानकारी कैसे मिली थी कि लड़का शादी हो रहा है? ऐसे पता करवाया, क्या की यहाँ भी हम लोग का भी है कोई, मतलब ऐसे दोस्त थी मेरी, उसी के द्वारा पता लगवाया। जानकारी ये भी मिल रही कि आप परसों भी आए यहाँ? हाँ परसों आए थे। क्या कुछ हुआ था? परसों आए हम, तो हम बाहर में आए सुबह में, उनसे पूछे फिर कुछ बात है हमको बताइए, अगर बात है बताइए, तो हम साइड हो जा रहे हैं। बोला कोई बात नहीं है। तो बोला हम आ रहे हैं। हम बोले ठीक है, हम आइए इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ये भी हम इंतजार करते रह गए, वो नहीं आया तो हम गुस्से में घर से निकले, तो उसका नंबर ब्लॉक करके तब यहाँ मार्केट पहुँचे। मार्केट पहुँचने के बाद उसको कॉल किए तो बोला क्या कहाँ हो? हम बोले यहाँ बाहर में है। अभी आप पिछले किसके साथ में आई है यहाँ पे? अभी अपने गार्जियन से। गार्जियन साथ में? तो बाहर में आए तो वो खुद रास्ते पे आया, हमको लेकर अंदर आया, तो अंदर में बातचीत हुई है। क्या समझौता में क्या हुई थी? समझौता में कुछ नहीं हुई। ये लोग मतलब बोलने लगा लड़का का गलती है, लड़का को छोड़ दीजिए। हम बोले नहीं छोड़ सकते, जब इतना कुछ हो गया, जब हम खुलकर बात बताए, जब इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ था, शादी कहीं और क्यों होगा? लड़का आपको साथ देने के लिए तैयार है क्या? साथ देने के लिए तैयार है मेरा। आज वो अपने घर के वजह से अगर वो बोल रहा है नहीं, तो मेरे साथ ना इंसाफी है ना। मालूम चल रहा है कि परसों आपके आने के बाद जो है दूसरी लड़की के गार्जियन भी आए थे, उसके साथ क्या समझौता हुई थी आपको मालूम है? हमको नहीं मालूम है इस मैटर में। क्या नाम है आपका? साहिन परवीन। किससे बात हुई थी आपकी? लड़का क्या नाम है जिससे बात कर रही थी आप? चांद। घर कहाँ है उनका? घर महदीपुर। अच्छा, आपका डिमांड क्या, आप क्या चाहती हैं? हम चांद से शादी करना चाहते हैं। आपका उम्र क्या है? 24 साल। कितना पढ़ाई किया?
अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।